बैक गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आपको जो पेनड्राइव का नो मीडिया एरर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताएंगे। और जब हम पेनड्राइव इंसर्ट करते हैं पेनड्राइव शो नहीं करता, बट हम उसको उसके डिस्क मैनेजर में जाके जब उसको देखते हैं तो वहाँ पे हमको रिमूवल डिस्क हीच या जो भी पेनड्राइव का नाम होता है वो शो होता है और उस डिस्क में नो मीडिया लिख कर आता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखिएगा और इसकी मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के थ्रू आपका जो पेनड्राइव करप्टेड होता है या पेनड्राइव में कोई एरर आता है जब आप उसे मोबाइल से लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं वो सारी प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं गारंटी के साथ। तो गाइस आपको आपका प्रॉब्लम मिल गया होगा क्योंकि आप कमांड प्रॉम्प्ट से चेक कर चुके हैं कि आपका पेन ड्राइव तो शो हो रहा है लेकिन उसमें नो मीडिया लिख के आ रहा है और एक्सेसिबल नहीं है। तो आपको उसके लिए फिक्स करने के लिए आपको गूगल क्रोम से एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है चिप जीनियस। तो उसमें जाके आप उसका रेस्टियन का वेबसाइट है तो उसका लैंग्वेज आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा जैसा कि हम कर रहे हैं। उसमें के लास्ट वाला जो उसका लिंक है उसको क्लिक करके आप उसका फाइल डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद तो उसको जब आप स्टार्ट करके रन कराएंगे तो उसमें आपको पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड उसी तरह पेस्ट करना जिस तरह हमने पेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद आपको आपका एक प्रोग्राम खुल के आएगा जीनियस का, उसमें आपका डिवाइस वेंडर, डिवाइस नेम और बहुत सारा नेम दिया रहेगा। उसको छोड़कर आपको कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर उसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसके थ्रू आपका नेक्स्ट फाइल डाउनलोड होगा। तो फिर आपको उसी वेबसाइट पे जाना है और उसमें एक फाइल्स का ऑप्शन होगा उसको क्लिक करके उसके अंदर जाना है। और उसके बाद आपको आपका कंट्रोलर वेंडर के नाम से उस फाइल को सर्च करना है। तो हमारा फर्स्ट चिप नाम का है तो उसको सर्च करते हैं, सर्च करके उसको डाउनलोड करेंगे। तो आपको जब फर्स्ट चिप सर्च करके आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें कि यूटिलिटी नेम में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। आपको बस एपी टूल उसका सर्च करके उसको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे आपको उस फर्स्ट चिप का बहुत सारे एमपी टूल मिलेगा। एमपी टूल में आपको लेटेस्ट जो हाईली अपडेटेड रहेगा उसी को डाउनलोड करना है। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो हम डाउनलोड कर लिए हैं तो चलिए उसको क्लिक करके ओपन करते हैं। अब जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। जब आप उसे ओपन करेंगे तो उस एक ऑप्शन खुल कर आएगा, उसमें टेस्ट ट्रैक लिखा रहेगा। टेस्ट ट्रैक को ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि एमपी टूल का जो चैट बॉक्स है खुल के आ जाएगा, उसमें आपका जो पेन ड्राइव रहेगा नंबर एक पे शो करेगा। तो उस नेम में आपको लिख के आएगा कि लॉक पोर्ट फेल। तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको बस क्या करना है रिफ्रेश पे क्लिक करना है और उसको स्टार्ट कर देना है राइट क्लिक करके, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल उस तरह आप स्टार्ट करेंगे। उसका स्कैनिंग शुरू हो जाएगा, स्कैनिंग शुरू होते ही वो 100% होगा। 100% के बाद फिर दोबारा स्कैनिंग होगा, उसको आपको कट नहीं करना है जब तक वो फुल स्कैनिंग ना हो जाए। गाइस जब आप फर्स्ट टाइम स्कैन करेंगे पहला बार रहेगा तो उसमें आपका पेन ड्राइव का नाम एक बार फ्लिप करके आएगा, उसके बाद चला जाएगा। तो आपको निकालना नहीं है, फिर आपको दोबारा उसको स्कैन होने देना है। जब स्कैन 100% हो जाएगा तो स्कैनिंग के बाद एक दूसरे बार जब स्कैन होगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग 2 से 3 घंटा टाइम ले सकता है। हमारा तो 3 घंटा 2.5 घंटा तक टाइम लिया था। तो आपको क्या करना, होने देना प्रोसेस। जब कंप्लीट हो जाएगा 100% लंबे टाइम के दौरान आपका जब 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पेन ड्राइव सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसको एग्जिट मार के निकालना है यहाँ से, उसके प्रोग्राम चार्ट से आपको एग्जिट मार के उस पेन ड्राइव को निकालना है। अगर आप निकालेंगे तब और प्रॉपर वर्क करने लगेगा जैसा आप देख रहे हैं। तो गाइस अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बहुत लाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जो पेन ड्राइव का डेटा रिमूव हो जाता है उसको कैसे रिटर्न लाते हो उस पर।